नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। भोले बाबा और उनके भक्तों का पावन महीना सावन शुरू हो चुका है और सावन को लेकर अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। खासतौर पर बिहार के लोग ज्यादा देवघर पहुंचते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं, बाबा को जलाभिषेक करते हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि आसपास के देश जैसे नेपाल और भूटान से भी शिव भक्त पहुंचते हैं और बाबा की नगरी देवघर जाते हैं। देखा जाए तो बिहार में तो शराबबंदी लागू है, लेकिन बात झारखंड की करें तो झारखंड में शराबबंदी की बिक्री की जाती है, शराबबंदी वहां पर लागू नहीं है। ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि हर साल ऐसा देखा जाता है कि पहले तो लोग बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और जब पूजा अर्चना खत्म हो जाती है तो उसके बाद जाम छलकाते हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इसको लेकर मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने ट्वीट कर साफ साफ लिखा है कि ये जो फैसला है ये खासतौर पर महिलाओं और बहन बेटियों को देखते हुए लिया गया है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि देवघर के विश्व स्तरीय श्रावणी मेले में और वैद्यनाथ धाम तक के कांवरिया पथ पर किसी भी प्रकार के मंदिरा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। श्रद्धालुओं को विशेषकर मेरी बहन बेटियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। यानी कि अब शराब जो है देवघर में नहीं मिलेगा। देवघर में खासतौर पर वैसे जगह जहां पर कांवरियों का जत्था लगता है, जहां पर मंदिर के आसपास तो पहले से ही शराब बिक्री पर रोक है, लेकिन अब आसपास के क्षेत्रों में भी शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है। देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी है और खासतौर पर यह देखा जाता है कि बिहार के लोग ज्यादा संख्या में देवघर पहुंचते हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार का जो राज्य है वो आसपास सटा हुआ है, बगल में है, तो काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं और शराब का सेवन करते हैं और वहां पर इस वजह से महिलाओं को परेशानी भी होती है, जिसको देखते हुए भी झारखंड सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। बेबी देवी मद्य निषेध उत्पाद विभाग की मंत्री हैं। उन्होंने दो दिन पहले ही मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, क्योंकि इसके पहले जगन्नाथ महतो जो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे उनका निधन हो चुका है, जिनके स्थान पर इन्हें मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई है। और अब ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, खासतौर पर महिलाओं और बहन बेटियों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। लगातार हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि कितनी काफी संख्या में, क्योंकि सुल्तानगंज से ही पहला जो जल है वो उठाया जाता है। अलग अलग जगहों से लोग पहले बिहार पहुंचते हैं, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज जाते हैं, जहां पर पहला जल उठाकर बाबा की नगरी बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल रवाना होते हैं। और ऐसे में लगातार हम वो तस्वीरों को भी आपको अपडेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बाबा की पूजा अर्चना के बाद शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर लेते हैं, जिस वजह से प्रशासन को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है ये काफी सफल साबित होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।